पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहन, मनुष्य भी दूसरे जानवर की तरह एक जानवर है, लेकिन ईश्वर ने मनुष्यों को बुद्धि और ज्ञान दिया जो कि मनुष्यों को दूसरे जानवरों से अलग कर दिया, और उस बुद्धि और ज्ञान को इस्तेमाल करके मनुष्यों को यह पता चलता है कि भला क्या है, बुरा क्या है, क्या करना अच्छा है, क्या नहीं करना चाहिए। हमारा ईश्वर पवित्र है। प्रभु कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रभु यह चाहता है कि हम पवित्र बने, लेकिन हम सांसारिक मोहमाया के पीछे पड़ते हैं, सांसारिक धन दौलत के पीछे पड़ते हैं और प्रभु से दूर चले जाते हैं और प्रभु के विरुद्ध कार्य करते हैं। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 112 पद संख्या 3 में, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। और प्रभु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 6 में, तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। आइए हम अपने पापों को प्रभु के चरण में रखें, अपने कमजोरियों को प्रभु के चरण में रखें और अपने बुद्धि का, ज्ञान का इस्तेमाल करें और जो प्रभु के लिए करना चाहिए अपना बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करके प्रभु के लिए करें और पवित्र जीवन जीने के लिए कोशिश करते रहें। आइए हम अपने पापों को, कमजोरियों को, दोषों को प्रभु के चरण में रखें और प्रभु से माफ़ी मांगते हुए पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौट आए, ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में भक्ति भाव से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे।
पावन जल से धो दे मुझे, पावन जल से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम अपने निजी निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखें, अपने व्यक्तिगत निवेदनों को, पारिवारिक जरूरतों को, और जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं की मांग किए हैं उनको प्रभु के चरणों में रखें, और जितने भी भाई बहन बीमार हैं आइए हम उनको याद करें। कुछ पल के लिए अपने निवेदनों को प्रभु के चरण में रखें, शांत हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी सत्य ज्योति से पथ भ्रष्टों को सन्मार्ग दिखाता है, वे धर्ममार्ग पर चलते हुए सदा धर्मानुकूल बातें सोचें और उनका पालन करते हुए धर्म विरोधी बातें त्यागें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 10 से अध्याय 12 पद संख्या 14 तक। मूसा और हारून ने फिराउन के सामने बहुत से चमत्कार दिखाए। प्रभु ने फिराउन का हृदय कठोर बना दिया था। उसने इसराइलियों को अपने देश से जाने की आज्ञा नहीं दी। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदिमांस होगा, तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इसराइल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हों तो ज़रूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने को कोई दोष न हो, वह नर हो और एक साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा, महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इसराइली उसका वध करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा दरवाजों की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाए। उसी रात को बेखमीर रोटी और कड़ुए साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। इसमें से कच्चा या उबाला हुआ कुछ मत खाओ, बल्कि सिर, पैरों और अतड़ियों के साथ पूरे को आग में भून कर खाओ। अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं रखा जाएगा। जो कुछ बच गया हो उसे भोर के पहले ही जला दोगे। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूँगा। मिस्र देश में मनुष्यों और जानवरों के सभी पहलौटे बच्चों को मार डालूँगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लहू देख कर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा तो
तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अनुवाक्य। प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ, तूने मेरे बंधन खोल दिए। अनुवाक्य। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। जय घोष। अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 12 पद संख्याएं 1-8 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बाले तोड़ तोड़कर खाने लगे। यह देखकर फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए जो काम विश्राम के दिन मना है आपके शिष्य वही कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उसने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियों को खाया, याजकों को छोड़ ना तो उसे उन्हें खाने की आज्ञा थी और ना उसके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा, याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते हैं तो? अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो हैं पर दोषी नहीं होते? अब मैं तुमसे कहता हूं, यहां वह है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। इसका अर्थ यदि तुम लोगों ने समझ लिया होता तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया होता, लेकिन मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांस
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कलीसिया ये उपहार तुझे विनय पूर्वक चढ़ा रही है, इन पर कृपा दृष्टि डाल। जो भक्त ये उपहार ग्रहण करेंगे उन्हें और अधिक पवित्र कर। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनर्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ हम तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र पवित्र पवित्र, पवित्र प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे,
ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनर्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनर्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सुख नहीं हूँ
कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद मिला है। जब कभी हम यूखरिस्त का यह समारोह मनाएं, हम में मुक्ति का फल बढ़ता जाएं। यह हमारी दिन प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।